नमस्कार और गुड मॉर्निंग, मैं सूरज आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपकी अपनी पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्रवास 363 में। आप सभी को संडे मुबारक और आने वाली गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम खड़े गोरेगांव में इसके लिए हम खड़े क्योंकि एक ऐसी यूनिक हम आपको चीज़ दिखाने वाले जो आपने कहीं नहीं देखी होगी। चाहने वाले हमारे यूट्यूब चैनल पर आपने काफ़ी सारी वीडियोज देखे मगर ये वीडियो काफ़ी खास बनने वाले। नमस्कार दोस्तों और गुड मॉर्निंग, और आपका स्वागत है एक बार फिर से सुपर संडे में। और आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने आपके चहेते चैनल प्रवास 363 में। दोस्तों, कोई कलाकार किसी पहचान का मोहताज नहीं होता, ना कोई कलाकार की कोई जात होती, ना कोई उम्र। ऐसे कलाकार से हम आपको मिलाने वाले जिसका नाम है निदिशा, और ये जो आप मेरे पीछे पेंटिंग देख रही है इन्होंने बनाई है। तो जानेंगे हम इनके बारे में और इनके पेंटिंग के बारे में, इनके इतनी रुचि के बारे में और सब कुछ जानेंगे। पहले तो निदिशा, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रवास 363 में। प्रवास हमारा जैसे चैनल है, तो वैसे आपका ये प्रवास कहाँ से शुरू हुआ? एक्चुअली मैं जब छोटी थी बहुत तब से ही पेंटिंग, ड्राइंग, अच्छा, सब चीज़ें कर रही हूँ। लेकिन मुझे आई थिंक भारत में बहुत से बच्चे हैं जिनका ये बचपन से होता है कि वो ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, लेकिन पेरेंट्स को ये कभी भी हॉबी लगता है, बिल्कुल ऐसे नहीं लगता इसका आगे जाके कुछ प्रोफेशन बन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मतलब एक टाइम के बाद वो बोलते हैं ओके बेटा, अभी ये ड्राइंग बस हो गया, अभी तुम पढ़ाई शुरू करो। तो आपका पहले से पैशनेट ही था ड्राइंग बचपन से? तो लेकिन मेरे डैड जो है, मेरे फादर है, वो भी आर्टिस्ट है, तो उनका थोड़ा बैकग्राउंड था और मुझे सपोर्ट मिला। अच्छा, क्या करते हैं वो? वो भी फाइन आर्टिस्ट है, प्रोफेशनल। अच्छा, ये प्रोफेशनल यही प्रोफेशन है उनका। उन्होंने भी फाइन आर्ट किया है, तो उनका पेंटिंग्स का काम शुरू होता है। और मॉम मेरी डॉक्टर है, तो दोनों भी आर्ट को। तो डॉक्टर और ये आर्टिस्ट और ये कॉम्बिनेशन आपके सामने दोस्तों, ये शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत एक्चुअली मैं बता नहीं पाऊंगी एग्जैक्टली, लेकिन मैं जब छोटी थी तब से ही मैं कर रही हूँ ड्राइंग। तो आप किसी से इंस्पिरेशन लिया, किसी से ऐसा कुछ, या किसी से आप किसी को देख करके इंस्पायर हुई कभी ऐसा? आई थिंक मैंने छोटी थी तभी किसी को तो नहीं देखा था, लेकिन वो कुछ
बट यू डोंट थिंक आपकी एज के जो लड़की है आज के तारीख में रील्स बनाती है, ये सब करती है और ये आप अचानक कुछ कर रही है, ये कुछ आपको नहीं लगता है कि कुछ मैं कुछ अलग हूँ या मैं कुछ अलग हूँ, ऐसा कुछ नहीं है? अचानक से नहीं कर रही हूँ, स्कूल लाइफ में पूरे ड्राइंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, बाद में अच्छा। चार साल बैचलर्स किया, फिर दो साल मास्टर्स किया जे जे स्कूल ऑफ आर्ट। याद रखना दोस्तों, मुंबई का, महाराष्ट्र का जाना माना स्कूल है, बड़े बड़े लोग यहाँ से सीखे हुए, और हमारे बहुत बड़े पॉलिटिशियन राज ठाकरे वो भी वहाँ से सीखे हुए, और ये सब कुछ जो चल रहा है ये आपको कहाँ तक लेके जाएगा? आपके सोच कहाँ तक है, आपको कहाँ तक जाना है? एक्चुअली आर्टिस्ट के लिए ये तो प्रोसेस पूरे लाइफ होती है, और आपको सिर्फ क्या है कि काम करना है। तो इसको प्रोफेशन लेकर चलेंगे या फिर इसको शौक के हिसाब से? फुल टाइम प्रोफेशन लेकर चलेंगे। मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। अच्छा, कॉलेज मेरा 2020 में कंप्लीट हुआ है, तब से मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। तब उसके बाद में मुझे ग्रांट मिला जो कैनेडा का है। Oh my God. तो मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं आर्टिस्ट। अच्छा। कि वो जॉब किए बिना खुद का कुछ कर पाए, क्योंकि खुद का काम करना अलग होता है, जॉब करने के बाद कोई और बता रहा है वो काम करना अलग होता है आर्टिस्ट के लिए, तो ये दोनों चीजें अलग है। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि पढ़े लिखे हो तो और कोई अच्छी जगह पे आप जॉब कर सकते हो? वही है कि जॉब करूंगी तो मुझे कोई बोलेगा तुम्हें ये पेंटिंग करना है, वही पेंटिंग करना पड़ेगा, तो इन्होंने ठान लिया कि पेंटर ही बनेंगे। तो जैसे कि अभी हिंदुस्तान इतना ग्रो हो रहा है, मेक इन इंडिया, स्मार्ट इंडिया, ये सब हो रहा है, तो क्या आप इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के चल रही है? जी, एक्चुअली मेरा जो काम है वो किसी इंडिया, भारत या किसी देश से या किसी रिलीजन को लेके या किसी कल्चर को लेके नहीं है, तो वो एक ह्यूमैनिटी के ऊपर। अच्छा। है कि आप एज एन इंसान क्या हो, आपका आपकी आइडेंटिटी क्या है, तो उसी सब्जेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ। आप किसी का भी पोर्ट्रेट बनाती है क्या, सोच के बनाती है क्या, मुझे उसको सिर्फ प्रेजेंट करना है या मुझे उसको दिखाना है कि मैं कितनी अच्छी हूँ? मैं जिस भी मतलब मैं फीमेल्स का ज़्यादा करती हूँ, मैं खुद फीमेल हूँ, तो वो ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ, तो मैं जो भी फीमेल का करती हूँ पोर्ट्रेट या मेरे मॉडल लेती हूँ पेंटिंग्स में, उससे मैं फ्रेंडशिप करती हूँ, उसके बारे में जानती हूँ और फिर उसका पेंटिंग करती हूँ मैं, तो वो जानने के बाद में मुझे जो भी उस व्यक्ति के बारे में पता चलता है उसको मैं एज अ विजुअल फॉर्म लेके पेंटिंग में दिखाती हूँ। तो मगर हर एक पेंटर जब आदमी पेंटिंग करता है तो लास्ट में उनका सिग्नेचर होता है, तो आपका इंस्पिरेशन, आपको आप फेवरेट पेंटर कौन है? हम तो ज़्यादा जानते नहीं पेंटिंग के बारे में, मगर अगर आप बोलोगे तो। फेवरेट ऐसे कोई नहीं है, सब हर एक पेंटर के बारे में, आर्टिस्ट के पास कुछ ना कुछ अलग है देने के लिए। मैं कहूँ तो कोई चार पांच नाम लूँ तो जेनी सविल है, एडगर डेगा है, हमारे इंडियन आर्टिस्ट में से रजा साहब है, एमएस हुसैन जी है, और बहुत से आर्टिस्ट है जिन हर एक के पास कुछ अलग यूनिक है, वो मुझे अच्छा लगता है। काफ़ी इंस्पायरिंग है आप, काफ़ी इंस्पायरिंग एंड काफ़ी मोटिवेटिव, काफ़ी कैसे कहते कि लोगों को इंस्पायर करना, और तो यंग जनरेशन के लिए जो नए सीख रहे पेंटिंग या नए अभी अभी जिन्होंने इनको देख करके या कोई पेंटिंग करने का शौक पाले, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये फील्ड बहुत ही इनसिक्योर फील्ड है। इस फील्ड में अगर आप ये सोच के आते हैं कि मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, तो आप कभी इस फील्ड में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पहले आपका काम अच्छा करना है, तो लोग आपके पास आएंगे, और आपका काम जो आप कर रहे हैं खुद के लिए वो भी लोग खरीदेंगे, और आप उसमें से ऑटोमेटिकली पैसे कमाएंगे। तो ये जो सोच है जिसको डेवलप करना है हमें भारत में, कोई भी आता है फील्ड में तो पहले ये सोच के आता है मैं इसमें से पैसे कैसे कमाऊंगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे तो आज जो झाकिर हुसैन साहब है या कोई भी जो है हरिप्रसाद चौरसिया है जो फ्लूट बजाते, अगर वो ऐसे सोचते कि ये तबला बजा के मैं कैसे पैसे कमाऊंगा या ये फ्लूट बजा के मैं कैसे पैसे कमाऊंगा, तो वो शायद इस मुकाम पे आज नहीं होते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप आपका स्किल जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप हासिल करें 100%, तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें आपको आ जाएंगी। सवाल और पूछना चाहूँगा कि इतना कंपटीशन है, इतना कुछ है, आज के ज़माने में क्या लोग इस तरीके की पेंटिंग को, चाहने वालों की कमी नहीं है, मगर इस तरीके की पेंटिंग को, इस तरह के प्रोफेशन को लोग आगे लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए, या तो फिर इसे सिर्फ एक शौक की तरह हम रखें?
ये प्रोफेशन है, सीरियस प्रोफेशन है, और ये अगर आप इंडिया से बाहर कहीं भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि आर्ट को बहुत इम्पोर्टेंस है, इसका बहुत बड़ा मार्केट है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत में ये मार्केट बहुत ही अपर क्लास जो है, यहाँ पे जिनके पास बहुत पैसे वही लोग इन चीज़ों का शौक रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. आर्टिस्ट और आर्ट ही बहुत बड़ा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सीरियस प्रोफेशन है. लेकिन इस प्रोफेशन में आने के लिए आपको बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है. 4 किताबें पढ़ के आप ये प्रोफेशन में कभी आगे नहीं जा सकते. इसके लिए आपको पूरी लाइफ हर रोज़ आपको इस बारे में सोचना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है इसके पीछे. तो देखिए, इतनी सी कम उम्र में इतनी सारी बातें और इतना सारा मोटिवेशन कहाँ से आता है आपको? आपके मम्मी आपकी डॉक्टर है, फादर आपके आर्टिस्ट है, हो सकता है कहीं ना कहीं आपके ब्लड में कुछ ना कुछ हो. और तो आगे यही चलता रहेगा, एग्जीबिशन बनाओगे या एग्जीबिशन लगेगा आपका? नाइस टॉकिंग टू यू एंड ग्रेट ग्रेट इंस्पिरेशन फ्रॉम यू, एंड इतनी अच्छी लवली पेंटिंग बनाई है. और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी हम आपको देंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे. और अगर आप इस तरीके के अगर कोई प्रोफेशनली पेंटिंग बनाना चाहोगे, अगर आप पेंटिंग बनवाना चाहोगे या खुद के लिए कोई स्पेशल किसी को गिफ्ट करना चाहोगे, तो आप रिचा को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर आपको दिया जाएगा नीचे. और यू भी देखते रहिए हमारा चैनल प्रवास 360. आपके कमेंट की बहुत आवश्यकता है हमें, बिल्कुल बताइए हमें वीडियो कैसा लगा आपको, और किसी तरीके की वीडियो और किसी फील्ड में अगर आप वीडियो देखना चाहते हो या आप चाहते हो कि हम आपको इंट्रोड्यूस करें उस वीडियो के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों. बेल आइकॉन बटन दबाइए और देखते रहिए प्रवास 360. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से पेंटिंग बनती है, किस तरीके से बनाई जाती है, किस तरीके से पेंटिंग में अपनी आर्ट दिखाई जाती है. तो कुछ लोग हमारे साथ बैठे हुए थे और उन्होंने पेंटिंग देखी, तो उनमें से एक हमारे साथ खड़ी, आपका नाम? अंजू त्रिपाठी. अंजू त्रिपाठी जी हमारे साथ खड़ी है, तो उनको पूछेंगे हम कि उनको पेंटिंग कैसे लगी, क्या उन्होंने सीखा. और हमें जानते हैं कि उन्होंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि मैं भी शौक रखती हूँ इस पेंटिंग वगैरह के बारे में, तो कैसा लगा आपको ये? बहुत ही अच्छा लगा, अमेजिंग था. अच्छा. और मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ उस चीज को देख के. मैं खुद चाहती हूँ, मेरे बहुत शौक है, बहुत अच्छा से शौक था, बट टाइम नहीं मिला. हाँ, अभी मैं एक हाउसवाइफ हूँ. अच्छा. और अब थोड़े सी फ्री हुई हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि इस क्षेत्र में मैं भी जाना चाहूँगी. तो आप पेंटिंग करती है या फिर सीखना शुरू किया है? नहीं, मैं थोड़ी बहुत करती हूँ, थोड़ी बहुत करते हाँ, अपने से खुद से. लेकिन अब सर से और मैं लोगों से देख के थोड़ा ऐसा हो रहा है कि अब मुझे प्रॉपर सीखना करना चाहिए. ओके. ये तो आज के ज़माने में कोई पेंटिंग के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है, कोई ज़्यादा बोलता नहीं है, तो क्यों आपको ऐसा अच्छा लगता है कि मैं इस चीज़ में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है? है, थोड़ा आर्ट में शुरू से है इसके वजह से. हाँ, अभी ये क्यों, मतलब अब अपनी अपनी चॉइस है. तो इंस्टाग्राम पे रील बनाने से अच्छा है कि मैं किसी का पोर्ट्रेट बनाऊँ? तो दोस्तों, इंस्टाग्राम पे रील बनाने से अच्छा मैं किसी की पोर्ट्रेट बनाऊं और किसी की भावनाओं को उस पे व्यक्त करूं. तो अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी शुभकामनाएं आपको. आगे जा करके हम इस तरीके से आपका भी इंटरव्यू लेंगे, एक वीडियो आपका भी बनेंगे. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच. सो दोस्तों, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और कलेक्शन, ये सारी चीज़ें जो होती है तब होता है जब जाकर कोई चीज़ ऑर्गेनाइज होती है. तो ऑर्गेनाइज करने के लिए ये सारा प्रोग्राम और ये सारे आर्टिस्ट को बुला करके ये सब कुछ करने के लिए जो मेहनत लगती है, जो ये सब कुछ होता है, इनके करने के लिए कोई ऐसे मजबूत कंधे होते जो ये ऑर्गेनाइज करते हैं. तो हमारे साथ खड़े सुनील वानेकर जी, और इन्होंने ये जो छोटा सा जो ये प्रोग्राम था ये अरेंज किया. तो सुनील सर, आपका पहली बार तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रवास 360 में. सर, ये सब कुछ क्यों और कैसे? गुरु पूर्णिमा का इवेंट था. गुरु पूर्णिमा जो है हमारा KBK करके ट्रस्ट. बिल्कुल. KB कुलकर्णी बड़े पोर्ट्रेट आर्टिस्ट रह चुके हैं. अच्छा. और हमारे लिए वो गुरु के स्थान पे. बिल्कुल. तो उनको अभिवादन करने के लिए गुरु पूर्णिमा हम लोग हर वक्त हर ईयर हर साल करते हैं. ओके. और ऐसा इवेंट हम हमेशा करते हैं. बिल्कुल. पोर्ट्रेट उनका जो सब्जेक्ट था पोर्ट्रेट. बिल्कुल. पोर्ट्रेट कैसे होना चाहिए, क्या
डिटेल्स कैसे होते हैं, कहाँ से शुरुआत करना है, कैसे ज्वाइन करना है, ये क्या बहुत सारे बच्चे लोग सीख नहीं पाते हैं। सीख नहीं पाते तो, और आर्टिस्ट क्या होता है, अपने बंद कमरे में काम करता है। बिल्कुल, वो बाहर आके बहुत मुश्किल से आर्टिस्ट का काम बिल्कुल होता है। सही कहा। तो हमने इसीलिए निविशा फड़ को यहाँ इन्वाइट किया था। अच्छा। और ऐसे ओपन एटमोसफियर में आर्टिस्ट बाहर कैसे काम कर रहा है, और हमें आर्टिस्ट का काम देख के सीखने मिलता है। बिल्कुल। तो वो अपॉर्चुनिटी बच्चों को प्रोवाइड करने का था, इसीलिए ये गुरु पूर्णिमा का ये इवेंट हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया। तो सुनील सर, आप करते क्या प्रोफेशनली? मैं प्रोफेशनली आर्टिस्ट ही हूँ मैं जी। आप पेंटिंग वगैरह करते हैं, तो इतना सब कुछ करने के बाद आपको क्या लगता है ये प्रोफेशन कहाँ तक जाता है? देखो, जहाँ तक इंसान मानवता रहेगी, इंसान धरती पर रहेगा, पेंटिंग तो रहेगा। बिल्कुल। जो उसको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस करना, कोई ना कोई कला तो कभी भी मरने वाली नहीं है, क्योंकि कला में एक्सप्रेशन का पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। और हर एक इंसान बगैर एक्सप्रेस किए जिंदगी बिता ही नहीं सकते। तो आर्ट जो है वो एक्सप्रेशन को लेके जब तक ह्यूमैनिटी रहेगी यहाँ पे, तब तक तो रहने। तो सुनील जी, आपका कहना है कि हर तस्वीर कुछ ना कुछ कहती है। कहती है, बिल्कुल कहती है। बिल्कुल कहती है। तस्वीर ही नहीं, तस्वीर ही नहीं है। तो हर एक तस्वीर कुछ ना कुछ कहती है। और ऐसे लोग अगर आते हैं आगे और हमारे बच्चों को, हमारे जो आने वाले जनरेशन को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, और हर साल ये कुछ ना कुछ गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसा कुछ करते हैं जो हमें हमारे देश को आगे लेकर के जा रहा है, तो फिर आने वाला प्रोग्राम क्या होगा? फिर से एक बार अच्छा है, थोड़ा सा आउटडोर में कभी कुछ एग्जीबिशंस वगैरह आपके ऐसे तो हम लोग के होते ही रहते हैं। अच्छा। सब गैलरीज में होते हैं, गैलरीज में होते हैं आपके? अच्छा। नेहरू सेंटर में होते हैं। अच्छा। अभी फोर्थकमिंग एग्जीबिशन अगस्त में है, तो बताइए हमारे लोगों को कब होने वाला है। अगस्त 23 को हमारा ग्रुप शो है। ओके। जहांगीर में। ओके, जहांगीर आर्ट गैलरी, चर्च गेट। उसके आगे दिल्ली में भी है, इंडियन हैबिटेट सेंटर में। बिल्कुल बिल्कुल, जनवरी में। ग्रेट ग्रेट। में नेहरू में है, तो एग्जीबिशन तो होते ही, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। लेकिन अभी बच्चे लोग के लिए क्या, अभी ये जो बरसात का मौसम है, तो ऐसे प्लान कर रहे हैं कि आउटडोर के लिए बाहर जाके करने के लिए, तो वैसा इवेंट हो सकता है आगे। सर, काफ़ी इंस्पिरेशन है, आप काफ़ी मोटिवेटिव है, और आप इनको देखते रहिए। और जैसा इन्होंने कहा कि ये डेट पे आकर के आप इस जगह पे विजिट कर सकते हो, एग्जीबिशन देख सकते हो, और भी कला और कलाकार को जान सकते हो। तो दोस्तों, यूँ ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल प्रवास 360 को, और कमेंट करना ज़रूर इस वीडियो पर। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर।